हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि गांव में अब कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसे कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव में युवा मुनियादी करवा ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के प्रति जानकारियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स, युवाओं की टीम ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक कर रही है। इसके अलावा ग्रामीणों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों से निवेदन किया गया है कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ही ऑक्सीजन, वेंटिलेटर दिया जाए। ऐसे में हर व्यक्ति ऑक्सीजन, वेंटिलेटर के लिए भगदड़ ना मचाए। गाँव में मेडिसिन भेज रहे हैं। आज हमने एक और नया शुरू करा कि गाँव में थोड़ा सा पहले नहीं था, अब के गाँव में ज़्यादा फैल गया, तो ये करके हमने ये करा है कि गाँव में बुनियादी करवा रहे हैं। हमारे जो टीमें हैं, बच्चों जो हमारे जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जिसमें सभी पार्टीज के लोग, कोई ये नहीं है कि एक ही पार्टी का, सब पार्टी का, चाहे वो किसी भी पार्टी में, जवान लड़के जो बहुत जिनमें चेतना ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है, वो सारे 10-10 की टीम बना के गाँव में बुनियादी कर रहे हैं कि जो कोई आइसोलेशन में हो, सरसा में बहुत सती इस तरीके के हॉस्पिटल में दिक्कतें आएंगी, बहुत लोगों को संभाला नहीं जाएगा, तो इस करके जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो उसी पेशेंट को शिफ्ट करा जाए, बाकी घर में ऊपर आइसोलेशन में रखा जाए। मेडिसिन हम गांव में भिजवा रहे हैं, कुछ में परसों चलेगी, हमारे वेयर हाउस से सबको दी जा रही है, और उसके बाद टेस्ट किट भी हम भेज रहे हैं ताकि लोगों का वहां करके जिन लोगों पेशा को उन्हें घर में ही आइसोलेशन किया जाए, यहाँ लोड नहीं पड़े और लोग ठीक हों, लोगों में कोई ऐसी दुर्घटना कोई ना हो। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।